अमरीकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे ये मत समझो, 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, अत्याचारों से, धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे ये मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे ये मत समझो। जब तक गंगा की धार, जब तक गंगा की धार, सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन अशेष। अमरीका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा, एक नहीं दो नहीं। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिन पर भी विचार करने की जरूरत है। हमारे खिलाफ सबसे बड़ा आरोप क्या है? हम सांप्रदायिक हैं, हम सेक्युलरवादी नहीं है। इसलिए सेक्युलरवाद के जितने भी रक्षक हैं, आओ इकट्ठे हो जाओ, लाठी डंडे संभाल लो और भाजपा को सत्ता से हटाओ। लोकतंत्र संख्या का खेल है और संख्या हमारे पक्ष में नहीं है। हमने जन समर्थन प्राप्त करने का जन समर्थन हम प्राप्त करने में सफल हुए, सबसे ज्यादा हमें जन समर्थन मिला है। बरसों से लोकपाल बिल धूल खा रहा है। क्या प्रधानमंत्री कानून के ऊपर है? अगर प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगे, अगर प्रधानमंत्री से किसी को शिकायत हो, वो कहां जाए, किसका दरवाजा खटखटाए? बरसों तक इसी बात पर चर्चा होती रही कि लोकपाल की परिधि में प्रधानमंत्री आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ये ठीक है कि उस दिन नरसिंह राव जी ने कहा था, तो मैंने कहा था कि मैंने क्लियरेंस दे दिया, प्रधानमंत्री का आप समावेश कर लें। लेकिन मैंने पूछा बिल कहां है, बिल नहीं आया। और मामलों पर अध्यादेश, सदन स्थगित होने के बाद और मामलों पर अध्यादेश जारी करने के लिए यह सरकार तैयार हो गई, ऐसे मामलों पर जिनका संबंध वोट बढ़ाने से था, वोट बैंक की राजनीति। इस मामले में नहीं, इस मामले में भी अध्यादेश लाया जा सकता। उस दिन मेरे मित्र इस बात की शिकायत कर रहे थे कि अदालतें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर रही हैं। शायद कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता थे, जुडिशियल एक्टिविज्म। अगर पार्लियामेंट अपना काम न करे और एग्जीक्यूटिव फैसले न करे, मामले को लटकाए, और जब प्रधानमंत्री से पूछा जाए कि आप निर्णय क्यों नहीं करते, तो उनका उत्तर ये हो कि निर्णय न करना भी एक निर्णय है। मगर अब मैं तो सरकार में नहीं हूं, अब मुझे जवाब चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यूरिया के घोटाले में जो तथ्य सामने आए हैं वो तो चौंकाने वाले। 5 साल हम घोटालों से जूझते रहे, एक के बाद एक घोटाला उजागर होता रहा। भ्रष्टाचार चुनाव में प्रमुख मुद्दा था, कांग्रेस पार्टी को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। मगर किसी ने कल्पना की थी कि जब चुनाव हो जाएंगे, नई सरकार बनेगी, तो अब तक के घोटालों से सबसे बड़ा घोटाला यूरिया घोटाले के रूप में सामने आ जाएगा। नो नेट, प्लीज Please do not disturb now. He is not yielding. Hazarika ji. Please, Ms. Hazarika.
सरकार उस दिन यह मामला उठाया गया था, कल जब चर्चा आरंभ हुई विश्वास प्रस्ताव पर तो यूरिया घोटाला उठाया गया था। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था कि वो इस बारे में तथ्य इकट्ठे करेंगे, सदन के सामने रखेंगे और मैं आशा करता हूं कि वो इस चर्चा में उन तथ्यों का उद्घाटन करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो जनमानस को आंदोलित कर रहे हैं। एक बोफर्स के घोटाले की बड़ी चर्चा हुई है और एक हवाला की भी बड़ी चर्चा हुई है, लेकिन दोनों घोटालों में जो धनराशि है वो अगर जोड़ भी ली जाए तो ये यूरिया घोटाला उन दोनों को भी मात कर देता है, उनसे पार चला जाता है। हमें कसौटी पर कसा जा रहा है। मैं बड़ा अनुभवी राज करता हूं, ऐसा मैंने कभी दावा नहीं किया, लेकिन ईमानदारी से देश की सेवा करना चाहता हूं यह दावा जरूर है। जब मैं प्रतिपक्ष में था तब किसी ने मेरे ऊपर यह आरोप नहीं लगाया कि मेरे किसी कार्य से देश के हितों को आंच पहुंच रही है। तो क्या सत्ता में आने के बाद मैं बदल गया हूं? क्या सत्ता इतना परिवर्तन करती है? तब तो जो 40 साल सत्ता में रहे उनकी दशा क्या होगी, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। हमें दोष देते हैं, जरूरत से ज्यादा दोष देते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हमारे बारे में उनकी जो धारणा है उसको कहीं ना कहीं ठेस लगती है। मुझे कांग्रेस के मित्र मिले, कहने लगे हमारे यहां तो मुझे चलता ही था, अब आपके यहां भी शुरू हो गया। हमने कहा आपके यहां क्यों चलता था? कहा नहीं, वो हमको छोड़िए। और हमारे समाचार पत्रों के मित्र भी कहते हैं कि भाई अब वो कांग्रेस को छोड़िए, और जगह चुनाव नहीं हो रहे। हमने कहा उनके यहां तो चुनाव भी नहीं हो रहे। कहा वो हमें मालूम था, बोले उनके यहां नहीं हो रहे, उनको छोड़िए। तो हमको ही खाली पकड़िए, मगर उनकी अपेक्षाएं और इन अपेक्षाओं के अनुरूप हमें अपने को सिद्ध करना होगा। इस समय हम कहीं सरकार में नहीं है, लेकिन केवल सरकार प्रदेश की नहीं होती है, नगर पालिका भी एक तरह का शासन है। हम पंचायतों में हैं, हम जिला परिषदों में हैं, हम कई सहकारी समितियों में हैं। सत्ता केवल उस अर्थ में राजनीतिक सत्ता नहीं है कि आप जब तक प्रदेश की सरकार में नहीं है या केंद्र की सरकार में नहीं। भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता होना भी आज सत्ता में भागीदारी का प्रमाण है, भागीदारी का संकेत। आकृष्ट कर पाता है तो हमारे यहां थोड़ी सी अगर कालिक भी लग गई लोग माफ नहीं करेंगे, और हमारा अंतर्यामी हमें कभी माफ नहीं करेगा। और इसलिए एक प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है जिसे मैं आपके विचार के लिए प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस संबंध में अंतिम निर्णय करेंगे। चुनाव के लिए धन कैसे इकट्ठा किया जाए? काला धन आता है, उसका कोई हिसाब नहीं रहता, अलग अलग स्तरों पर आता है। काला धन देने वाले बड़े चतुर होते हैं, वो पार्टी को अलग देते हैं, उम्मीदवारों को अलग देते हैं, उनसे आगे काम निकलेगा इस आशा से देते हैं। चुनाव के लिए अगर धन की आवश्यकता हो तो हम केवल चेक से धन लेंगे और तरीकों से धन नहीं लेंगे। क्या हम ये निर्णय करने की स्थिति में हैं?
शंकर का वह क्रोधा नल कर सकता जगती क्षार क्षार डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ जिसमें नचता भीषण संहार रणचंडी की अतृप्त प्यास मैं दुर्गा का उन्मत्त हास मैं यम की प्रलयंकर पुकार जलते मरघट का धुआं धार फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दू मैं यदि धधक उठे जल थल अंबर जड़ चेतन तो कैसा विस्मय हिंदू तन मन हिंदू जीवन रगर हिंदू मेरा।